Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो है वो जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफाइन द टर्म जर्नल इलेक्शन. एंड जर्नल इलेक्शंस क्या हैं, उसके अंदर उनके मेन फीचर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से जो है वो हमारे पाकिस्तान में अरेंज किए जाते हैं, ये सारा कुछ आज के हम जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे. तो जर्नल इलेक्शन की सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि जर्नल इलेक्शन है क्या. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जर्नल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर द चेंज इन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. 1973 के आइन के तहत जो जर्नल इलेक्शंस है वो पाकिस्तान में हर 5 साल बाद जो है वो आते हैं और इसके ज़रिए जो है एक नई हुकूमत जो है उसका इंतखाब किया जाता है. जर्नल इलेक्शंस आर द प्रोसेस थ्रू विच पीपल कास्ट देयर वोट फॉर देयर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट फ्री कैंडिडेट्स. इसके अंदर जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं, या तो अपनी फेवरेट पार्टी को वोट डालते हैं या फिर आज़ाद उम्मीदवार जो कि उनके इलाके से खड़े होते हैं उनको वोट डाला जाता है उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस द इलेक्टेड कैंडिडेट्स मेक द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू सर्व द पीपल एंड कंट्री. The whole process of the general election is conducted by the Election Commission of Pakistan. अच्छा जी, जो ये सारा प्रोसेस होता है ना, इसको जो हेड करता है यानी जो ऑर्गेनाइज करता है उस इदारे को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. और ये इसी के अंडर सारा काम होता है जो कि इस वोट के ज़रिए जो आप अपने कैंडिडेट्स को डाल रहे हैं या तो वो सूबाई हुकूमत बनती है या फिर वो विफाक की हुकूमत बनती है, फेडरल यानी विफाक और प्रोविंशियल यानी सूबाई हुकूमत. द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज़ कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. जो इनका हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अच्छा जी, इसके अंदर मेन फीचर्स हैं कुछ, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जो अहम जुज हैं उसका. सबसे पहले है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन बहुत ज़रूरी है वहाँ पर. फिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि उनको हेड कर रहा होता है. नंबर 3 पे है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि वहाँ पर मौजूद होता है जब वोट कास्ट किए जा रहे होते हैं. रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग बूथ, बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, ये सारा प्रोसेस होता है वहाँ पर. ये सारे ऑफिसर्स मौजूद होते हैं. बैलेट बॉक्स वो होता है जिसके अंदर आप अपना वोट कास्ट करके डालते हैं. बैलेट पेपर वो होता है जिसपे आपके सारे कैंडिडेट्स के जो भी निशान है, लोगोज है, जो भी है जिससे पहचान होती है कि आपने किसको वोट डालना है, वो बैलेट पेपर होता है. फिर आप अपने फेवरेट कैंडिडेट के जो है आगे एक स्टैम्प लगाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं. अब वो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ई इलेक्शन. ई इलेक्शन क्या है? अच्छा बच्चों, ये ई इलेक्शन जो है ना, ये पाकिस्तान में रिसेंटली जो है वो मुतारिफ करवाया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है वो आप अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं. इन द 21st century अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ई इलेक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड. इन दिस काइंड ऑफ इलेक्शन वोटर्स यूज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन मशीन टू वोट. द वोटर यूजेज हिज और हर NICOP. NICOP क्या है? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान. अच्छा जी, इसके ज़रिए आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हों आप अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं. ये बेसिकली जो बनाया गया है सिस्टम, ये बनाया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, यानी कि जो मुल्क से बाहर हैं जो कि अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में आके, तो वो अपना जो वोट है अपने मुल्क में बैठे, जिस मुल्क में वो बैठे हुए हैं वहाँ से वोट कास्ट कर सकते हैं. एंड थंब इम्प्रेशन टू वोट फॉर हिज और हर फेवरेट कैंडिडेट. दैट मीन्स कि वो अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपने फेवरेट उम्मीदवार को जो है वो वोट डाल सकते हैं. ई इलेक्शन मशीन्स रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैगिंग ऑन पोलिंग स्टेशंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस. अच्छा जी, इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप अपने थंब इम्प्रेशन से जो है वो वोट डालते हैं और अल्लाह ताला कुदरती निज़ाम है कि आपका जो अंगूठे के निशान है वो किसी दूसरे से नहीं मिलते. अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है लेकिन एक ये वाहि चीज़ है कि आपके अंगूठे के निशान जो है वो किसी से नहीं मिलते, तो इसमें रैगिंग हो ही नहीं सकती और ये एक फेयर वोटिंग की तरफ चला जाता है. इसमें चांसेस 90% से भी ज़्यादा होते हैं कि इसमें कोई भी अनफेयर काम नहीं हो सकता. एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ई इलेक्शन वॉज मेड ड्यूरिंग द जर्नल इलेक्शन ऑफ 2018.
2018 इन पाकिस्तान। अच्छा जी, 2018 में जो है ये सारा निज़ाम पाकिस्तान में आया था और लोगों ने जो है यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी अपना हक अदा किया था वोट का और पाकिस्तान में जो है वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट डालकर जिताया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।